इनके लब रंगी मिठाबल के जिसने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रेहान शेख हैं, मालूम ये करते हैं, कैन ए वाइफ लीव सेपरेटली अलोन विदाउट टॉकिंग डाइवोर्स फ्रॉम हस्बैंड इन केस इफ हस्बैंड गोज मिसिंग और इज इन जेल और इफ द हस्बैंड प्रपोजली डज नॉट वांट टू रिटर्न टूवर्ड हिज वाइफ। असल में ये है कि अगर हस्बैंड इनका जिंदा है और किसी तरह से वो लापता है या जेल में है, तो ज़ाहिर है कि बीवी ऐसी सूरत में तो अकेली ही रहेगी ना। हस्बैंड जिंदा है और जेल में है और या फिर मिलता नहीं है, उसके मरने की भी कोई ख़बर नहीं, तो आपने पूछा कि औरत अकेली रह सकती है, तो ऐसी सूरत में औरत तो ऑलरेडी अकेली ही रह रही है। मेरे ख्याल से आपका सवाल ये होना चाहिए था कि औरत दूसरा निकाह कर सकती है या नहीं, शायद जो कि आपने इसमें लिखा नहीं या फिर मेरी समझ नहीं आया। तो ऐसी सूरत में कि जबकि हस्बैंड जेल में ज़िंदा है, अगर चाहे उसको उम्र भर की कैद की सज़ा हुई हो कि ताउम्र रहेगा, वैसे गालिबन उम्र भर की कैद में उम्र भर ही कैद में नहीं रहना पड़ता बल्कि कुछ साल उसमें होते हैं, उसके बाद उसको रिहाई मिल जाती है, जिसकी सज़ा का नाम उम्र की उम्र भर या फिर उम्र कैद होती है, ऐसा मेरा गुमान है। तो ऐसी सूरत में जो है ना, औरत वो अकेले तो रह सकती है लेकिन निकाह नहीं कर सकती, और अगर हस्बैंड उसका मिस है यानी लापता हो गया और उसकी लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलता, काफ़ी साल गुजर गए, तो भी औरत अकेली ही रह रही है, लेकिन ऐसी सूरत में भी वो यानी तलाकशुदा नहीं कही जाएगी। अगर आपका सवाल ये है कि उसको विधवा मान लिया जाए, वो अकेली रहती है ऐसी सूरत में, तो बिल्कुल नहीं, उसको तलाकशुदा या विधवा उसको नहीं तसव्वुर किया जाएगा। और अगर हस्बैंड जो है वो मिस हो गया तो आने की उसकी कोई उम्मीद नहीं है या जेल से रिहा होने की ज़िंदगी भर की उम्मीद नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी आदमी से फिर तलाक ले ली जाए, जेल में कागज़ पे लिखवा कर या किसी भी तरीके से या दो गवाहों के सामने तलाक ले ली जाए। अगर वो तलाक दे दे तो फिर औरत जो है वो इद्दत गुजार के दूसरा निकाह कर लेगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि आदमी ने तलाक नहीं दी और हस्बैंड कहीं मिस है या फिर जेल में है, उसके वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में औरत अकेले तो ऑलरेडी है, हो ही गई वो, लेकिन वो तलाकशुदा नहीं होगी। अब अगर मिस है तो इसमें ये हो सकता है कि औरत को इंतज़ार ही करना पड़ेगा या फिर उसके मरने की सही खबर उसके पास होनी चाहिए मोतबर ज़राए से, अगर ऐसा है तो फिर वो दूसरा निकाह कर ले, वरना ये कि वो औरत जो है वो इंतज़ार कर ले 70 साल तक, दूसरा निकाह ना करे, अगर मुमकिन नहीं है या ऐसी उम्मीद नहीं है, उसके ज़िंदा होने की खबर नहीं है। ज़िंदा होने की खबर इस तरह नहीं होती जैसे किसी ऐसे काफ़िले में शामिल था कि जिसको मार दिया गया हो, तो अब गुमान ये है कि उस काफ़िले के सारे लोग मरे तो फिर ये आदमी भी मर गया होगा इस तरह से, या फिर ऐसा है किसी जहाज़ में सफ़र कर रहा था और उस जहाज़ के तबाह होने से सभी लोग मरे, अब किसी का भी कोई लाश का कोई सबूत नहीं मिला, तो गालिब गुमान होता है कि उसी जहाज़ में वो शख्स भी मर गया होगा और वो लौटा भी नहीं काफ़ी अरसे से। तो इस तरह से अगर कोई ऐसे ज़राए हैं तो शहर काजी के पास जाकर जो है वो निकाह को ख़त्म करवा सकती है, अगर उसके लापता होने की इस तरीके का मामला काजी जो है वो निकाह को ख़त्म करने का अगर हुक्म दे देगा तो दूसरी शादी हो जाएगी। अलबत्ता अगर बग़ैर काजी से, बग़ैर किसी आलिम दीन से राबता किए, ख़ुद से ही अपने आप को विधवा तसव्वुर कर लिया और फिर दूसरा निकाह कर लिया कि हस्बैंड तो अब आना ही नहीं है, तो इस तरह ये जायज़ नहीं है। इसी तरीके से अगर हस्बैंड जेल में है और ये उम्मीद है कि वो नहीं आ सकता तो मैं क्या करूँ, तो उससे तलाक ले ले, अगर वो तलाक नहीं देता तो तब भी दूसरा निकाह जो है वो नहीं कर सकती। और आपके सवाल की पहली सूरत के कोई औरत बिना शोहर के तलाक हासिल किए कि अकेली रह सकती है, तो अगर सूरत हाल ये है कि औरत किसी लड़ाई झगड़े की वजह से अगर अकेली रह रही है तो उसका रहना जायज़ नहीं है, और उसका अकेला रहने को अगर शरीयत ने मंजूर करा है तो फिर औरत का शोहर के छोड़कर अकेले रहना, ये यानी अकेले से मुराद अपने मैके में रहना या रिश्तेदार के रहना, वो जायज़ है। मसलन ये कि शोहर की तरफ से इतना शदीद जुल्म होता है, उसको आए दिन मार पीट का झगड़े का मामला होता है,
या शौहर वगैरह जो है वो उस पर इतना जुल्म करते हैं कि उसकी जान को ख़तरा है या जिस्म के आज़ा को नुकसान पहुंचता है, मतलब इतना उसको कोई घर में उसका शौहर मारता है कि वो जो है ना बेहोश हो जाती है, या फिर उसको ज़रूरत पे खाना तक नहीं दिया जाता, या बीमार होती है तो उसकी कोई देख रेख वाला नहीं, और आला दर्जे की कलील उसकी हालत हो जाती है कि वो उठ भी नहीं सकती, और ऐसी सूरत में उसकी कोई दवा का भी इंतज़ाम नहीं होता, उसको वक्त पर रोटी भी नहीं होती। तो ये उसकी औरत की यानी ज़रूरतें हैं, अगर शोहर ये पूरी नहीं करता और इसमें शोहर की लापरवाही वाकई में है तो फिर औरत जो है उसका घर बग़ैर तलाक हासिल किए भी आदमी का घर छोड़ सकती है। एक सूरत ये होती है कि अगर शोहर बदअक़ीदा या बदमज़हब हो गया कि या फिर इस्लाम से खारिज हो गया तो भी औरत जो है उसका घर वो छोड़ सकती है। अगर ऐसा नहीं है, उस पर इतना जुल्म नहीं हो रहा, इतना उसको मारा भी नहीं जा रहा, खाना वगैरह सब उसको टाइम पे दिया जा रहा है, फिर किसी बात पे आपसी इख्तलाफ़ या लड़ाइयाँ या झगड़े या नाराज़ी वगैरह है, तो ऐसी सूरत में घर नहीं छोड़ सकती। घर में रहते हुए ही सुलह करने की कोशिश करें, अपनी नाराज़ी को घर में रहते हुए ही जाहिर करें और शोहर के हक़ को अदा करें। मसलन ये कि बातचीत अगर उसको किसी नाराज़ी की वजह से खफा है तो वो उसको खाना वगैरह भी शोहर को वक्त पे दिया जाएगा, उसके कपड़े, उसके इंतज़ाम, नाश्ते वगैरह का और दूसरी जो उसकी ज़रूरतें हैं उन सबको औरत को पूरा करना होगा। तो शरीयत इजाज़त नहीं देती कि वो घर छोड़ के जाए, जब तक मुमकिन है कि घर में रहकर सुलह हो सकती है। और अगर मामला वही है कि इतना शदीद है कि जुल्म ऐसा है कि औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती तो एक मजबूरी है कि जान का ख़तरा हो तो औरत जा सकती है, लेकिन उमूमन केस ऐसे होते नहीं हैं, कम होते हैं, रेयर चांस होता है, लेकिन होता है कि आदमी शराब ज़्यादा पीता है नशे की हालत में और औरत को कुछ भी चीज़ उठा के मार देता है किसी भी चीज़ से, चाहे वो धारदार हो या ज़ख्मी करने वाली हो, कि उस पर इतना जुल्म होता है कि औरत के बर्दाश्त से बाहर है और किसी सूरत वो सुनता नहीं है। तो फिर औरत जो है अगर जाना चाहती है और जब तक वो नहीं सुधरेगा माँ के चली जाती है ऐसे में, तो उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला उस पर अजाब नहीं होगा जबकि वाकई उसकी जान का ख़तरा हो। और छोटी मोटी नाराज़ी वगैरह हो कि उसकी जान को ख़तरा नहीं है, खाना वगैरह सब ठीक है, ठीक है, आदमी में कोई बुरा ऐब है, मसलन ये कि गुनाह का कोई ऐब है, बेनमाज़ी है, नमाज नहीं पढ़ता या दूसरे जुआ वगैरह खेलता, तो औरत को चाहिए समझाती रहे लेकिन उसका घर ना छोड़े, उसके घर में ही रहे। अगर इस तरह बेइजाज़त शरई घर छोड़ के जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला की उस पर लानत है, उसके ना फ़र्ज़ कबूल हैं ना नफिल, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं जब तक वो लौट कर वापस ना आ जाए। हदीस पाक का मफहूम इस तरह से है।